जरूरत तो हर किसी को होती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अनोखे गांव के बारे में बता रहे हैं जहां के लोग बिना वीजा के ही विदेश यात्रा कर लेते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं लोंगवा गांव की। यहां के लोग बिना वीजा के ही विदेश की यात्रा करते हैं। भारत के उत्तर पूर्व में नागालैंड की सीमा में मुन नामक जिला है। इसी जिले में एक बहुत बड़ा गांव है लोंगवा। म्यांमार की सीमा से सिर्फ 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है लोंगवा गांव। इस गांव की खासियत यह है कि म्यांमार और भारत को विभाजित करने वाली सीमा पर इस गांव के मुखिया का घर है। मुखिया के घर के बीच से होकर सीमा का बंटवारा हो रखा है। कहा जा सकता है कि इस गांव के मुखिया का आधा घर भारत में है और आधा म्यांमार में है। इस गांव के मुखिया का म्यांमार और अरुणाचल के 70 गांव पर आधिपत्य है। कोनाक नागा जाति के लोग इस गांव में रहते हैं। यहां के लोग एक अलग ही भाषा बोलते हैं। यहां लकड़ी के घर बने हैं। इस गांव के लोग अप्रैल के महीने में ओलिंग मुन्यू नामक त्योहार मनाते हैं, जिसमें पुरुष जाति के लोग मुंह पर स्याही लगाते हैं और गले में तांबे की माला पहनते हैं। घर को सजाने के लिए लोग अजीबोगरीब तरह की चीजों का उपयोग करते हैं, जैसे कि सीन, खोपड़ी, हाथी के दांत। इस गांव के लोगों में काफी एकता है। भाईचारे की इसी भावना के कारण यहां के लोगों को दोनों देशों की नागरिकता प्राप्त है। सी